हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल, क्लास 8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले मैंने आपको चैप्टर से समझा दिया है, अगर आपने वो नहीं समझा तो प्लीज़ पहले आप उसको अच्छे से समझो, तब क्वेश्चन आंसर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इन टू ए थिन शीट। ये आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन है, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना है और बताना है, ठीक है, कि हम जब शीट को क्या करते हैं, बीटन करते, पीटते हैं और उसके बाद उसको पतली शीट बना देते हैं, ठीक है, तो कौन सी होगी इसमें से। हम जिंक को कर सकते हैं क्या, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, इनमें से क्या राइट आंसर है। जिसमें से हमें पता है बेटा कि जिंक क्या है, मेटल है, और मेटल को ही पीट कर जो है बीटन करके हम उसको शीट में चेंज कर सकते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, जिंक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, अब आपको बताना है इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ए, ऑल मेटल आर डक्टिल। क्या सारी मेटल डक्टिल होती है। ऑल नॉन मेटल आर डक्टिल। क्या सारी नॉन मेटल डक्टिल होती है। जनरली मेटल आर डक्टिल। कुछ मेटल है जो डक्टिल होती है। सम नॉन मेटल आर डक्टिल, कुछ नॉन मेटल डक्टिल होती है। तो डक्टिल का मतलब क्या होता है, शीट में चेंज करना, ठीक है। तो अब अगर हम इसको है कि जैसे मेटल की दो प्रॉपर्टियाँ होती हैं हमारी, एक प्रॉपर्टी क्या होती है, एक मेलेबिलिटी होती है और एक डक्टिलिटी, और मेन देखा जाए तो ये दो, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, हम आगे पढ़ेंगे, तो मेन आपको ये दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि डक्टिल क्या होती है और जो दूसरी है कि मेलेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो डक्टिल का मतलब होता है बेटा, अगर आपको कोई मेटल दी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई मेटल है और उसको खींच कर अगर आप तार बना दे रहे हो तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, डक्टिल, ठीक है। और कोई मेटल है उसको आप पीट पीट के एक शीट बना दे रहे हो तो वो क्या होती है, मेलेबल, ठीक है। तो हाँ, हमारा आंसर क्या था, आंसर तो हम टिक करना भूल गए, इसका आंसर होगा जनरली मेटल्स आर डक्टिल। सारी मेटल्स डक्टिल नहीं होती, पर जनरली क्या होती है, सारी मेटल्स, ऑलमोस्ट मेटल्स जो होती है वो क्या होती हैं, डक्टिल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ब्लैंक्स। फर्स्ट, फॉस्फोरस इज ए वेरी डैश नॉन मेटल। फॉस्फोरस हमारा नॉन मेटल है, पर कैसा नॉन मेटल है, रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, मतलब क्या है। तो इसमें फास्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट, मेटल आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश। मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, कि वो कंडक्टर जो है हीट का क्या होती है, गुड होती है कि बैड होती है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन में भरेंगे मेटल आर, यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका गुड आंसर, सॉरी, और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके आंसर मैं आपको भी नीचे लिखा हुआ दिखा दूंगी, आप वहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, सी, आयरन इज ए डैश रिएक्टिव देन कॉपर। अब बताना आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है। तो आयरन जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, ठीक है। आयरन जो है, यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, मोर, ठीक है। मोर रिएक्टिव किससे है, कॉपर से, ठीक है। इसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज है उसको याद करना पड़ेगा, जिससे आपको ये पता रहेगा कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है। इसके लिए आपने ये चीज़ें सीरीज वाइज याद करनी है कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट, डी पार्ट है आपका, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस। मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो होती है बेटा, ये ऑलमोस्ट मेटल होती है जो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस करती है। आप जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे 10th में तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके आंसर्स जो है सीरीज वाइज दिए हैं, आप यहाँ से नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मेक ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। नाउ फर्स्ट है आपका, जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। जनरली नॉन मेटल जो है वो एसिड से रिएक्शन करती है, ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने क्या पढ़ा है अभी, कि जो है मेटल
एसिड से रिएक्ट करती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो आपने यहाँ पे फिल करना है फॉल्स। नेक्स्ट, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, ये ट्रू है कि फॉल्स। मैट जो सोडियम है ना वो एक मेटल है और वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। इसको अगर हम, इसको ना कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, अगर इसको हम एयर में ओपन छोड़ देंगे ना तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और फायर कैच कर लेती है, आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट, कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रहेगी ना तो आपको पता होगा कि जो कॉपर है और जिंक है, इन दोनों जिंक सल्फेट और कॉपर के अगर हमने रिएक्शन कराई तो ये कह रहे हैं कि कॉपर डिस्प्लेस कर देता है जिंक को जिंक सल्फेट में से, जिंक सल्फेट में से जिंक को हटा के खुद वहाँ पर आ जाता है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो मोर रिएक्टिव होता है वही वो दूसरे को क्या करता है, डिस्प्लेस्ड कर सकता है, और कॉपर मोर रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कोयले का हम खींच के तार बना सकते हैं, तो ये ट्रू है कि फॉल्स, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, कोयला क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल को हम खींच के तार नहीं बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको मेटल और नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, उसमें आपने इनको अलग बताना है कि इन दो इनकी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दी है आपको, अपीयरेंस में, देखने में, हार्डनेस में, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, मैंने आपको भी समझाया क्या होता है, शीट बनाने में, तार बनाने में, हीट कंडक्शन में, हीट को कैसे आगे बढ़ाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में, तो इनमें बताना है। चलिए इसको आंसर हम देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स देखने में, ठीक है। देखने में मेटल क्या होती है, हैव द मेटलिक लस्टर, ये क्या होती है, एक चमक होती है इनके अंदर, ये हमें चमकीला दिखाई, देखा होगा ना आपने, स्टील देख लो या कोई भी मेटल देख लो, गोल्ड देख लो, सिल्वर देख लो, तो क्या होते हैं, चमकते हैं ना, ठीक है। और नॉन मेटल क्या होते हैं, डल, जैसे कि कोल, कोल हमने क्या बोला, वो क्या होते हैं, डल। नेक्स्ट हार्डनेस, हार्डनेस जो है मेटल हार्ड होती है, कॉपर ले लो, आयरन ले लो, कितने हार्ड होते हैं, ठीक है, थीके? और नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट। मेलेबिलिटी मीन्स उनकी शीट बनाना, तो मेटल्स क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, उनकी शीट बनाई जा सकती है, और नॉन मेटल क्या होते हैं, मेलेबल नहीं होते, इसलिए नॉन मेलेबल। डक्टिलिटी, हम मेटल की तार बना सकते हैं इसलिए वो डक्टाइल होते हैं, और नॉन मेटल की तार नहीं बना सकते इसलिए नॉन डक्टाइल। अब हीट कंडक्शन, आपने देखा होगा ना हमारे पॉट जो घर में यूटेंसिल्स होते हैं, जिसके हम, जिस पे हम खाना बनाते हैं, तो वो सारे किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो गुड कंडक्टर होते हैं मेटल, और नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायर का यूज़ किया जाता है वो भी कैसा होता है, उसमें मेटल होती है ना, कॉपर होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम होती है, तो ये सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, या फिर इंसुलेटर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीज़न देना है आपको, ठीक है, इसका रीज़न बताना है कि जो एल्यूमिनियम की फॉइल है उसका यूज़ किया जाता है रैप करने के लिए फूड आइटम्स को, ठीक है। आप लंच लेके जाते होगे स्कूल में, तो आप उसमें एल्यूमिनियम की फॉइल में रैप करके लेके जाते हो ना अपनी चपातीस या कोई भी फूड मटेरियल, तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। एल्यूमिनियम इज़ ए हाई मेलेबल एंड इट कैन बी ईजिली बीटन इन शीट टू मेक इट्स फॉइल फॉर रैपिंग पर्पस, रैपिंग पर्पस के लिए, लपेटने के लिए जो है एल्यूमिनियम बहुत हाई मेलेबल होती है, मीन्स उसकी पतली शीट आराम से बनाया जा सकता है, इसलिए उसको पेट के पतली शीट बना के फॉइल बनाया जा सकता है, ठीक है। और आगे एक है कि इट इज़ आल्सो सॉफ्ट एंड डज नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम, ये सॉफ्ट होता है और फूड आइटम से रिएक्ट नहीं करता है, दिस इज वे एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज टू रैप फूड आइटम, इसी के कारण एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ किया जाता है फूड आइटम को रैप करने में। नेक्स्ट, इमर्शन रॉड फॉर द हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंस, तो इमर्शन रॉड जो होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे कि पानी गर्म किया जाता है ना, तो पानी गर्म करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कि रॉड का यूज़ किया जाता है, वो सारे मेटल की बनी होती हैं, तो उससे क्यों बनी होती हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। इमर्शन रॉड मेड अप ऑफ द मेटालिक सब्सटेंस, मेटालिक सब्सटेंस की बनी होती है, क्यों, बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना कि ये क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे गेट हॉट वेरी सून
ऑन द पासिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वार्म द वाटर, और ये जल्दी से जो है क्या होता है, इनमें से जल्दी से ये गर्म हो जाती हैं, और क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है और ये जल्दी से पानी को गर्म कर देती हैं। नेक्स्ट, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जो है वो क्या करता है, नहीं डिस्प्लेस करता है जिंक को सॉल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है। तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव, क्यों, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है किससे, जिंक से, इसलिए वो नहीं कर पाता उसको डिस्प्लेस्ड। कौन किसको कर पाता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल। इसके बारे में भी मैंने आपको से अभी डिस्कस किया था कि सोडियम और पोटाशियम दो ऐसे मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इनको क्या किया जाता है, कैरोसिन ऑयल में जो है स्टोर करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये बाहर आए तो क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देती है और फायर कैच कर लेती है, ठीक है। क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है इसलिए इनको क्या किया जाता है, कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। और आगे जो मैंने आपको बताया ना, अगर आप चाहो तो ये भी अपने आंसर में डाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर द लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, एक्सप्लेन। क्या आप लेमन और पिकल को एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना कि एल्यूमिनियम का यूज़ जो है रैप करने के लिए फूड किया जाता है, तो उसमें लेमन पिकल रख सकते हैं। नो, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, और मेटल जो है रेडिली रिएक्ट विद एसिड, वो एसिड से रिएक्ट कर देती है और क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो व्हेन एल्यूमिनियम कम इन कॉन्टेक्ट विद लेमन विच इज एसिड, ठीक है, वो क्या है, एसिड वुड रिएक्ट टू गिव हाइड्रोजन एंड द पिकल विल बी स्पॉइल्ड, और हाइड्रोजन बनेगी तो हमारा पिकल क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और ख़राब, और इसकी हम अगर हम उसको खाएंगे तो हमारे अंदर भी क्या होगा, नुकसान पहुँचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच है, ठीक है, ए कॉलम को बी कॉलम से मैच करना है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका गोल्ड, अब आप ऑप्शन में देखो कि गोल्ड किससे मैच कर रहा है, गोल्ड मैच कर रहा है किससे, ज्वेलरी से, गोल्ड की ज्वेलरी बनती है ना, ठीक है। नेक्स्ट आयरन, आयरन से क्या बनती है, मशीनें बनती हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि फूड रैपर में, कार्बन, कार्बन का यूज़ किस में किया जाता है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, थर्मामीटर एंड इलेक्ट्रिक वायर, तो थर्मामीटर और इलेक्ट्रिक वायर तो इसमें तो हो नहीं सकता है, ठीक है। ये आपका आ गया जो आपका है 1, 2, 3, 4, ये हो गया फिफ्थ नंबर। कॉपर का तो हमें पता लग गया कहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रिक वायर में, ठीक है। अब बचा है आपके पास कार्बन, तो कार्बन तो थर्मामीटर में यूज़ नहीं होता है ना, आगे देखते हैं कुछ आंसर क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ है, मरकरी, ठीक है। तो मरकरी का यूज़ किस में किया जाता है, थर्मामीटर में, तो हमारा सिक्स नंबर क्या आ जाएगा, थर्मामीटर। और उसके बाद अभी आपके पास बचा है कार्बन, कार्बन का आंसर क्या आएगा, ये फ्यूल, ठीक है। तो समझ आ गया आपको, तो ये ज्वेलरी और ये आयरन और ये एल्यूमिनियम और फोर ये हो गया एंड देन फाइव ये और सिक्स ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन व्हेन डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन द कॉपर प्लेट। जब हम डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड को किस में डाल रहे हैं, कॉपर प्लेट में, ठीक है। कॉपर क्या है, मेटल है, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, और हमने पढ़ा है कि एसिड और मेटल ऑलमोस्ट रिएक्शन करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको और भी दिया है कि आयरन नेल अगर प्लेस किया कॉपर सल्फेट में, ठीक, तो क्या होगा, इसकी इक्वेशन लिखनी है और रिएक्शन भी बतानी है। तो फर्स्ट क्या है कि पहले में तो कोई रिएक्शन हुई नहीं, क्योंकि कॉपर क्या है, वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। सेकंड में आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर देगा, उसको अपनी जगह से हटा देगा, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर विल रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से निकाल देगा, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना CuSO4, वहाँ से कॉपर को हटा देगा। एंड ब्राउन कोटिंग ऑफ द कॉपर इज डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल, और ब्राउन कलर का जो है वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और वो
जो ब्लू कलर टर्न ग्रीन. कॉपर सल्फेट का कलर बेटा हमेशा याद रखना वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है. ठीक है, जब आयरन उसको डिस्प्लेस कर देगा, वहां से कॉपर को हटा देगा, तो जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था वो किस कलर में सॉल्यूशन हो जाएगा, ग्रीन कलर में. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव राइज आयरन सल्फेट इज इक्वल टू कॉपर. तो इसकी रिएक्शन भी आप लिख लेना बेटा, इसकी लिख लेना Fe. Fe क्या होता है, आयरन. ठीक है, CuSO4. ठीक है, ये होता है कॉपर सल्फेट. गिव राइज में क्या करना है आपने, Fe की रिएक्शन किसके साथ करना है, SO4 के साथ. हम यहाँ क्या लिख देंगे, FeSO4. ठीक है, साथ में आप आगे क्या लिखना, मैं इसको कट करूँगी, मिट जाएगा इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, प्लस Cu लास्ट में. ठीक है, इसके आगे लिखना आप यहाँ पर. ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. सलोनी टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्ट द गैस इवॉल्व इन ए टेस्ट ट्यूब. सलोनी ने क्या किया, चारकोल को जलाया और उसकी गैस को एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया. अब आपको बताना, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस. गैस का नेचर उसने क्या फाइंड किया, तो उसने क्या फाइंड किया, कैसे कि मतलब गैस जो है वो एसिडिक थी कि बेसिक थी. तो सबसे पहले, सबसे इजी तरीका है, उसने क्या किया, शी कैन फाइंड द नेचर ऑफ द गैस बाय यूजिंग वेट लिटमस पेपर. गैस थी, उसमें वेट लिटमस पेपर लेके गए. अगर वो ड्राई लिटमस लेके जाते तो रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं. इसके बारे में आप 10th में अच्छे से पढ़ोगे, इसमें चैप्टर 2 पूरा हाइड्रोजन आयन के ऊपर है. ठीक है, तो अब उसको लेके गया, तो आफ्टर ब्रिंगिंग द लिटमस पेपर इन कॉन्टेक्ट विद गैस, जब वो गैस के कॉन्टेक्ट में आई, इफ इट टर्न द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, तो ब्लू लिटमस पेपर जो था वो किस में टर्न हो गया, रेड में. इसका मतलब वो क्या हो गया, एसिड. इसके बारे में 7th में आपने पढ़ा होगा ना, लिटमस, ब्लू लिटमस रेड में इट मीन्स एसिड, और रेड लिटमस ब्लू में इट मीन्स वो क्या हो गया, बेस. ठीक है, इफ इट टर्न द रेड लिटमस इनटू ब्लू इट इज बेसिक. अगर वो क्या हो गया, लिटमस को अगर उसने डाला वो एसिड हो गया तो एसिड बिहेव होगा, अगर रेड हो गया, अगर वो ब्लू हुआ तो क्या होगा, बेसिक बिहेव होगा. आगे इसी का क्वेश्चन दिया है कि आपने अपने वर्ड में इसकी इक्वेशन लिखनी है. ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कैसे हो गई, कार्बन को जलाया हमने. ठीक है, कार्बन को जलाया तो उसको एटमोसफियर में क्या मिली, ऑक्सीजन मिली. तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड. आप इसको लिख सकते हो C+O2 गिव राइज CO2. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड था अगर उसमें हमने लाइम वाटर डाल दिया तो लाइम वाटर का कलर क्या हो गया, मिल्की हो गया. जो मतलब गैस यहाँ से बनी ना आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके अंदर लाइम वाटर डाला तो उसका कलर मिल्की हो गया. तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कुक में अगर लाइम वाटर डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है. ठीक है, तो इसकी रिएक्शन भी आप लिख सकते हो CaOH2. ठीक है, प्लस CO2. कैसे, मैं आपको लिख के बताती हूँ. यहाँ पर थोड़ी सी हम स्पेस कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं. ठीक है, Ca ब्रैकेट में OH2, ये हो गया हमारा लाइम वाटर. ठीक है, प्लस CO2, उसके बाद गिव राइज. ठीक है, तो ये दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, तो अब क्या बन जाता है, आप वो भी लिख लेना. ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, उसके बाद मैं आगे लिख रही हूँ, यहाँ पे स्पेस पे लिख देती हूँ, आप इसके आगे यहाँ पर नोट करना. ठीक है, यहाँ पर तो इसके आगे आएगा आपका CaCO3, जब उसका कलर क्या हो गया, मिल्की हो गया, साथ में क्या बच जाता है, H2O. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको रिएक्शन लिख लेना. ठीक है, नहीं समझ आए तो मुझे बताना. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11. वन डे रीता वेंट टू ज्वेलर्स शॉप. एक दिन रीता ज्वेलर शॉप के पास गई अपनी मदर के साथ. हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू द पॉलिश. उसकी मम्मा ने जो है एक अपनी ज्वेलरी दी गोल्ड स्मिथ को पॉलिश करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट डे वेन दे बॉट द ज्वेलरी बैग दे फाउंड दैट देयर वॉज ए स्लाइट लॉस इन इट्स वेट. कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन द वेट. मतलब अब वो ज्वेलरी जब वापस लेने गई तो उसका वेट थोड़ा सा लॉस हो चुका था. ठीक है, किसका, ज्वेलरी का. ठीक है, उसका नहीं, ज्वेलरी का. ठीक है, तो अब आप बताओगे ऐसा क्यों हुआ था. तो द गोल्ड ज्वेलरी इज डिप्ड इनटू एसिड सॉल्यूशन. ज्वेलरी को साफ करने के लिए जो ज्वेलर था उसने एक सॉल्यूशन में डाला था, वो सॉल्यूशन था एक्वारीजन. एक्वारीजन का मतलब क्या होता है, सॉरी एक्वारीजिया. ठीक है, इसको क्या किया जाता है, एक मिक्सचर होता है, उसमें एसिड होता है
ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। और उसमें जब हम ज्वेलरी को डालते हैं तो पॉलिश के लिए डाला जाता है, मतलब ज्वेलरी जो है वो चमक जाती है। लेकिन क्या होता है, जो उसके ऊपर की लेयर होती है ना, आउटर लेयर जो होती है उसमें डिसॉल्व हो जाती है, मीन्स ऊपर की एक जो खराब लेयर थी वो डिसॉल्व हो जाती है, जिससे कुछ ना कुछ मात्रा में उसका जो है गोल्ड था, मेटल था, वो भी क्या हो गया, उसमें डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसका वेट क्या होता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म हो गए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।